तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे बदल सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने चैनल का नाम कैसे बदल सकते थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे बदल सकते हो। उससे पहले मेरे चैनल पे जो पहली बार विजिट करे, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि आप सबको भी पता है कि हम हमेशा से आपके लिए जेन्युइन कंटेंट के साथ आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको studio.youtube.com वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे एक बार टैप कर देना है, वो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपको बेसिक इन्फो पे एक बार चले जाना है और देखिए यहाँ पे हमारा पुराना वाला कस्टम यूआरएल ही दिख रहा है, हमें इसको पहले डिलीट करना होगा। हम सिंपल ये डिलीट वाले आइकन पे एक बार टैप कर देंगे, वो हमें इस पेज पे ला के छोड़ेगा। हम थोड़ा ऊपर करेंगे तो हमें ये वाले आइकन पे एक बार टैप कर देना है, जिससे कि हमारा जो कस्टम यूआरएल पुराना वाला है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमें सिंपल यहाँ पे रिमूव पे एक बार टैप कर देना है। उससे पहले आप ये कंडीशन पढ़ लीजिएगा। हम सिंपल रिमूव पे एक बार टैप कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से रिमूव पे टैप कर देते हैं। हमारा अब पुराना वाला जो कस्टम यूआरएल था वो रिमूव हो चुका है हमारे चैनल पे। अब हम बैक चलते हैं, एक बार देख लेते हैं पेज रिफ्रेश करेंगे कि वो रिमूव हुआ है या नहीं। थ्री डॉट पे टैप करके रिफ्रेश करते हैं हम, तो देखिए गाइस हमारा जो कस्टम यूआरएल था वो इजीली रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेटअप अ न्यू कस्टम यूआरएल पे एक बार टैप करेंगे, जिससे कि हम न्यू कस्टम यूआरएल ऐड कर सके अपने चैनल के साथ। तो जैसे हमने ये करा तो देखिए हमारे चैनल के बहुत सारे नाम आ गए। जैसे कि आपने अपने चैनल का नाम रखा होगा तो आपका वो आ जाएगा, नहीं तो आप नीचे वाले आइकन पे टैप करके आप कस्टमाइज कर सकते हो आपको जो भी कस्टम यूआरएल चाहिए वो। आपको नीचे लिख के डायरेक्ट पब्लिश पे एक बार टैप कर देना है, जिससे कि आपका कस्टम यूआरएल इजीली पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए गाइस हमारा कस्टम यूआरएल इजीली सेट हो चुका है। अब हम इसको एक बार कॉपी करेंगे और न्यू टैब पे जाकर देखेंगे कि इस कस्टम यूआरएल से हमारा चैनल सर्च में आता है या फिर नहीं। तो हम सबसे पहले वही कर लेते हैं और देखिए गाइस हमारा चैनल इजीली आ चुका है। आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर ठोक देना, आपके हर एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले टॉपिक वाली वीडियो में, तब तक के लिए एंड स्क्रीन के मजे उठाओ।